आज सैटरडे है और सैटरडे को यूजुअली मैं सुबह उठ के सबसे पहले मंदिर जाता हूँ, शनि मंदिर जाता हूँ। और यार एक चीज़ मुझे आप लोगों से पूछनी थी, मैं जब भी कोई भी मंदिर जाता हूँ, मतलब शनि मंदिर हो, गणेश मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो मैं जाता हूँ, सिद्धिविनायक टेम्पल हो, मैं जाने से पहले सोच के जाता हूँ कि यार मुझे ये मांगना, ये चीज़ें बोलनी है, ये सब करना है। बट लेकिन जब भी मैं भगवान के सामने खड़े रहता हूँ ना, तो मेरे मुँह से बस एक ही चीज़ निकलती है कि यार थैंक यू सो मच, जितना भी कुछ दिया है थैंक यू सो मच, थैंक यू, बस थैंक यू ही निकलता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, आप लोगों के साथ भी होता है क्या? लेकिन एनीवेज गाइस, वेलकम बैक, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक, वेलकम बैक। सो अभी टाइम क्या हो रहा है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक मिनट। वॉच का बैटरी भी 7% पे, अभी फोकस क्यों नहीं हो रहा ये, हाँ 12:16 हो चुके हैं। और आज हम लोग जाने वाले हैं एक दूसरे जिम में, जो कि मेरा जो पुराना जिम है उसके आसपास ही खुला है, और मुझे काफ़ी टाइम से वो जिम में जाना था क्योंकि उसकी लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी है, ऐसा मैंने सुना है, मैं अभी तक गया नहीं हूँ, और देखने से भी लगता है कि उसकी लाइटिंग बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है। सो वहाँ पर जाके एक बार मुझे एक्सपीरियंस करना है कि अच्छे लाइटिंग में क्या कैसे दिखता है बॉडी, कैसे फुटेज दिखते हैं, वो सारी चीज़ें भी देखनी है। सो यस, और अभी साहिल आ चुका है, साहिल घर पर बैठा है, मेरा प्री वर्कआउट मील में से सिर्फ मैंने ओट्स खाए, अभी एग्स बचे वो लेके जाना है, ब्रेड भी लेके जाना है, और मम्मी भी आज घर पे है। शिट, मैंने अभी जस्ट फुटेज चेक किया जो इसके पहले मैंने शूट किया था, मैं इतना ज़्यादा चबी लग रहा हूँ, लिटरली ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने मुंह में कुछ रखा हुआ, एकदम चबी चबी लग रहा हूँ। और इस बार जो बाल काटे मैं उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बहुत ही ज़्यादा भयंकर बाल काटे इस बार के, और चबीनेस जो है वो और 3-4 हफ्ते तो जाएंगे भाई, उसके बाद ही मुझे लगता है कुछ कम होगा, क्योंकि हमने बल्क बहुत ही ज़्यादा क्रेजी किया था और मेरे पे चबीनेस बहुत ही ज़्यादा उठ के दिखता है। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैं फ़ोन जो है वो रख देता हूँ और ड्राइंग पे फोकस करता हूँ। सो गाइस, हम लोग अभी नीचे हैं वो नए वाले जिम के, जहाँ पे हम लोग ट्रायल लेने जाने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। जिम 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 जिम, कौन सा फ्लोर वर्दी वैसे जाए जाने का, कहीं सर राइट मारू डायरेक्ट वर्दी जाए सर। तो अभी हम लोग नीचे हैं और आज है मेरा शोल्डर्स डे। वाओ, एंट्री दिखा, एंट्रेंस दिखा, एंट्रेंस तो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। अभी यहाँ से हमें थर्ड फ्लोर पे जाना है, थर्ड फ्लोर पे वो जिम है, ये कहाँ से जाना है यार, पूछ के जाता हूँ मैं। हाँ, यहाँ से यूटर्न मार के जाना है, और जिम के बाहर ही पार्किंग है। एंड गेस व्हाट, आज है हमारा शोल्डर्स डे, और इस जिम की लाइटिंग बहुत अच्छी है, इसकी वजह से मैंने शोल्डर्स डे के दिन ही ट्रायल रखा कि शोल्डर्स का जो पंप है वो देखेंगे हम कैसा है। ये तो फुल मॉल का पार्किंग लग रहा है भाई, लाइट्स ऑन करते हैं, ये थर्ड फ्लोर पे मजा आने वाला है गाइस, एक्साइटेड एक्साइटेड हूँ मौत, मैं तो बहुत ज़्यादा। बस बस ऐसा, इतना ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखाने का, ये मेरी गाड़ी चढ़ नहीं रही है ऊपर फिर भी मैंने नहीं, पेट्रोल पे है दोस्त, फिर भी नहीं चढ़ रही है। अभी ये आ गया, कौन सा फ्लोर आया, सेकंड है ना। दिल थाम के बैठिए देवी और सज्जनो, कुछ ही मिनट में हम ऊपर पहुंचने वाले हैं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। लोग मारेंगे ना मेरे को, बोलेंगे शर्म नहीं आता फालतू जोक मार रहा है। कॉपीराइट आया लो भाई, जरूर जाने दीजिए। कॉपीराइट क्यों आएगा इसमें, कॉपीराइट नहीं आएगा ये, मेरे को लगता है यही है जिम, किधर ही किधर है। जिम में आ चुके हैं हम लोग, और शायद मैं गलत टाइम पे आया हूँ, क्योंकि शाम को इसकी लाइटिंग अच्छी रहती है, मतलब अभी लाइट्स तो बाहर ऑन नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है इनका वॉशरूम, चेंजिंग रूम आप लोग बोल सकते हो, जो कि काफ़ी एस्थेटिक लग रहा है, काफ़ी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आ रही है, काश मैं आप लोग को स्मेल करा पाता, फील करा पाता, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। इधर फोटोज़ बहुत क्रेजी आएंगे, यहाँ पे मिरर दिखा, इतना पॉपअप हो रहा है मेरा जो ये कलर है, कितना पॉपअप हो रहा है। सो एनीवेज, अभी चलते हैं बाहर, जो म्यूजिक का आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, अगर म्यूजिक ज़्यादा रहेगा तो मैं पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक डालूंगा, वरना फिर आप लोग पूरा रॉ वर्कआउट एंजॉय कर सकते हो। सो नाउ लेट्स गो।
हाँ, वॉल्यूम कम कर दिया म्यूजिक का, तो अभी मैं अच्छे से आप लोग से बात कर सकता हूँ। सो गाइज, एज यूजुअल हम लोग ज़्यादा हैवी नहीं जाने वाले हैं, ज़्यादा वॉल्यूम करेंगे हम लोग। वॉल्यूम एज इन नंबर ऑफ सेट्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा रखेंगे, और मैं ज़्यादा करके क्या बोलते हैं ओवरहेड प्रेस पे ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ। शोल्डर्स मारता हूँ मैं, लैटरल पे ज़्यादा वर्क करता हूँ, क्योंकि लैटरल मेरा काफ़ी ज़्यादा वीक है कंपेयर टू माई फ्रंट। सो इसीलिए लैटरल के ज़्यादा नंबर ऑफ सेट्स लेंगे हम लोग, और स्टार्टिंग में हम लोग करेंगे ओवरहेड प्रेस, उसके 4 रेप्स लेंगे। फर्स्ट वार्म अप जो कि आप लोगों ने देखा रहेगा, और अभी 3 वर्किंग, दैट्स इट। और उसके बाद सीधा लैटरल पे जंप करेंगे। बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है आज का वर्कआउट, एंड आई होप कि पंप भी उतना ही ज़्यादा क्रेजी हो। सो लेट्स गो। इजी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो ये 3 सेट रहेंगे उसमें मैं ऐसा वेट लूंगा जो कि मैं 12 to 15 रेप्स के आसपास या 10 टू 15 रेप्स के आसपास फेल हो जाओ। सो 20, 22.5 और मोस्ट प्रोबेबली 25। मैं इतना ज़्यादा हैवी नहीं मारता हूँ ओवरहेड प्रेस में, मैं ज़्यादा लैटरल पे फोकस करता हूँ, लैटरल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेट्स गो गाइस, इजी 12 रेप्स। Come on, 7, 8, 9, come on, last two, all yours. इतना पानी पी रहा हूँ फिर भी पता नहीं क्यों सुबह से अगेन डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है, और इसमें BCD पहले भी डाला हुआ है, और कितना पानी पीने का। लेकिन लेट्स नॉट फोकस ऑन दिस, वर्कआउट पे फोकस करते हैं। अभी काफ़ी अच्छा पंप आया है, मतलब जितना आप स्लो करोगे ना, स्लो और फोकस रख के, उतना अच्छा पंप और जल्दी आता है। अभी मेरा सेकंड वर्किंग सेट है, उसमें ही बहुत अच्छा पंप आया है। सो मैं सोच रहा हूँ कि और 2 वर्किंग सेट करूँ। लेट्स सी, लेट्स गो। Second set and already pumped. Let's go, guys. Easy 10 reps, easy. 1, 2, 3. Easy. चल जाएगा 10. 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो वैसे अभी प्लान ऐसा है कि ये हमारा फोर्थ वर्किंग सेट है और जो 25 केजी किए थे हम लोगों ने 10 रेप्स किए थे, तो इस बार कोशिश करेंगे 25 के 11 टू 12 रेप्स निकाल सके, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको वेट बढ़ाना चाहिए, आप लोग नंबर ऑफ़ रेप्स भी बढ़ा सकते हो, जिसको वॉल्यूम ट्रेनिंग बोलते हैं और मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बहुत अच्छा पंप आता है। सो वन टू थ्री ईजी वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। एक और नहीं 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 हाफ गया, लेकिन ट्राई अच्छा था। पता नहीं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन फील हो रहा है, क्या पता क्यों। Come on. Easy. Let's go. मेरे को ये जिम का वाइब तो सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसा मुझे चाहिए वैसा एग्जैक्टली सेम है। लाइटिंग बहुत अच्छा है, फिर लोग कम है, ऊपर से म्यूज़िक बंद कर दिया है, सो कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एकदम कोई बोलते ना एकदम लाविश कोई बाहर के जिम में मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, और इक्विपमेंट्स अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन वो एक्सप्लोर करने के बाद ही मैं अपना डिसीजन लूँगा, जो भी लूँगा वो। सो आप लोग को कैसा लग रहा है कॉमेंट सेक्शन में बताना कॉमेंट करके। देखो पता नहीं क्यों सांस इतनी फूल रही है। स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन कम ऑन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन इजी Let's go guys. One. More body movement. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Easy.
इसमें रेप रेंज में यूजुअली 20 तक रखता हूँ, क्योंकि जितना कम वेट लोगे उतना आपके जो नंबर ऑफ रेप्स है वो बढ़ जाते हैं। Let's go. ये था हमारा सेकेंड वेरिएशन फॉर लैटरल। मज़ा आ रहा है भाई, पंप जो देखने मिल रहा है ना, आई होप आप लोगों को भी दिख रहा होगा, शोल्डर्स इतने मस्त लग रहे हैं। ये देखो सेपरेशन जो दिख रहा है। आपके अगर लैटरल डेवलप नहीं हो रहे ना, तो जो पहला वेरिएशन किया था मैंने वो करो, और उसमें भी अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है तो ये वाला ट्राई करो। ये बहुत ही ज़्यादा आइसोलेट करता है आपके लैटरल मूवमेंट्स को, और ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल मूवमेंट भी है। और मेक श्योर करना कि इसमें हैवी नहीं जा रहे हो आप। 1 2 3 7 control, good control, 8 देखा नहीं कि यहाँ पे जो ये वेट है ये स्लाइटली हैवियर है जो मेरे पुराने जिम में, तो मेरे को लास्ट के दो रेप बहुत ही ज़्यादा मुश्किल गए। मेरा टारगेट था 15, लेकिन 12 पे मैं फेल हो गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लो कर रहा था मैं। लेट्स गो। 1 स्लो, 2 कंट्रोल, 3 control, 4 control, 5 control, 6 control, 7 last one भाई मज़ा आ रहा है, वाइब अच्छा है, पंप जो दिख के आ रहा है वो भी अच्छा है। आप लोगों को यहाँ का लाइटिंग, यहाँ का जो वाइब है वो वीडियो में देख के कैसा लग रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। मतलब मेरे को यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर पुराना वाला सही है वो एक बार बताना।
सो गाइस वी आर डन विद द वर्कआउट और वर्कआउट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा था जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। और लाइटिंग तो भाई मैंने इतने बार बोला रहा है इतना ज़्यादा क्रेजी लाइटिंग है। मैं अगर ये जिम ज्वाइन करूँगा ना तो बस इसके लाइटिंग्स के लिए और इसके और डंबल्स थोड़े से मुझे अलग कुछ तो लगा पता नहीं मैं यूज टू नहीं हूँ शायद इसकी वजह से पता नहीं क्या है। और अगर हमें वीडियोज़ बनाने हैं वीडियोज़ वगैरह में थोड़ा सा एक एस्थेटिक टच ऐड करना है देन दिस जिम इज परफेक्ट मेरे हिसाब से। तो चलिए देखते हैं अभी क्या ये जिम ज्वाइन करना है या नहीं करना है और फिर उसके बाद तो अभी पहले तो निकलते हैं यहाँ से और उसके बाद फिर प्लान करते हैं। और आप लोग बताओ कि ये जिम आप लोग देखना चाहते हो वीडियोस में या फिर पुराना वाला ही सही है। चलिए फिर अभी मिलते हैं घर पे। कहाँ जा रहे हो हम अभी? अच्छा कर दे तू मुझे। टाइम देखो शाम के 7:50 और पूरा घर क्लीन करने के बाद कहाँ जा रहे हो? नेक्सस सी वुड्स। क्या करना? विंडो शॉपिंग करने जा रहे हैं। विंडो शॉपिंग इसका पता है क्या होता है? आईफोन खरीदना इसका विंडो शॉपिंग। अब खरीदना नहीं देखने जा रहे हैं। अगर तू बता लोगों को तुम जो ब्लाइंड कर देगा। नहीं गाइस चश्मा पहनी है। गाइस ये मेरे आंखों के पीछे पड़ा। अरे तूने चश्मा पहना है तुझे कैसे स्पेक्स पहनने के बाद और मेरे को अभी लग रही है भूख क्योंकि मैंने आने के बाद कुछ बंद हुआ फोन वायरमेंट भी नहीं मैंने आने के बाद अगर बंद हो जाए तो फ्लैश भी बंद हो जाएगा ना। मैंने आने के बाद सिर्फ डेढ़ रोटी और चिकन खाया है थोड़ा सा सैलेड और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मैं पूरा क्लीनिंग में बिजी था। अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है लेकिन हम कुछ जंक नहीं खा सकते भी देखता हूँ हम नहीं ये नहीं खा सकता मेरे को तो कुछ भी मन करेगा तो मैं खा सकती हूँ। मॉल के बाहर ना एक बॉयल अंडे वाला होता है अगर वो रहेगा तो मैं चार एग वाइट खा लूँगा क्योंकि भाई ऐसे टाइम पे ऐसे ऑप्शंस ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर मिला तो अच्छी बात है नहीं मिला तो घर पे जाके खाएंगे लेकिन बाहर नहीं खाएंगे। मैं तो डिसिप्लिन ओवर प्लेजर याद रखो डिसिप्लिन ओवर प्लेजर ये 2 सेकंड के प्लेजर के लिए आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसीलिए हमेशा चूज द राइट ऑप्शन। कैसे व्लॉगिंग करेगी तू कैसे व्लॉगिंग करेगी सोच अगर तू व्लॉगर बन गई इंडिया टॉप वुमेन व्लॉगर में तेरा नाम आएगा। गाइस बाय मैं अगर कुछ खाई तो आपको बता रही हूँ और तू खाएगा तो भी बताते हैं बाय प्लीज मेरा हाथ दुख रहा है। बॉयल अंडा तो नहीं मिला लेकिन ऑमलेट बनवा लिया मैंने विद लेस ऑयल बहुत मस्त है देखा चटनी वटनी मार के बीच में चटनी डाला है जो कि मेरा फेवरेट है भेलपुरी में चटनी होता ना वो वाला इसको बोला मैंने खा तो ये खाने नहीं है ये ले टेस्ट कर कैसे है खा तो पहले अच्छा है बोल रही है मॉल जाने से पहले खत्म कर दूंगा 3 अंडे का ये शायद तो मैं खा लेता हूँ फिर उसके बाद कैमरा सही है यहाँ पे बबल है देखना तेरे पे इतनी अच्छी लाइटिंग कैसे है मेरे पे कहाँ अच्छी लाइटिंग ये छोटा है तूने XR यूज कर लिया क्या डिसाइड किया फिर कौन सा लेना है 15 15 प्रो 15 प्लस 15 प्रो मैक्स 15 या 15 प्लस 15 और 15 प्लस में साइज का डिफरेंस है और उसकी बैटरी लाइफ भी अच्छी है 15 प्लस और 15 में सिर्फ 10,000 का फर्क है ये जो 512 GB ले रही है लेने का प्लान कर रही है तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि यार 15 ले रहे हो तुम 512 GB 1,00,000 रुपये में तो और 10,000 डाल के
15 प्लस मिल रहा है तो मेरे हिसाब से 15 प्लस इज मच बेटर ऑप्शन, तुझे क्या लगता है? और फोन का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है और वैसे तो इसको कुछ साइज और इसमें कुछ सीन नहीं है, बस कैपेसिटी ज्यादा चाहिए तो उसके लिए 512 GB ले रहे हैं कंटेंट। हाँ और फोन से भी कंटेंट बन जाएगा, फिर ये तो मेरे को भाव ही नहीं देगी। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो आज का व्लॉग फिर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया रहेगा नए जिम के वीडियोस, नए जिम के फुटेज, लाइटिंग वगैरह सब कुछ। और आई गेस मैंने ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं आज के वीडियो में क्योंकि मैं बिजी था काफ़ी ज़्यादा वो काम वगैरह के चक्कर में और घर क्लीन के चक्कर में। सो यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल योर। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो। कैसे लग रहे आप लोगों को ब्लॉग वो भी कॉमेंट सेक्शन में बताना, एनी फीडबैक डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल, लव यू गाइस, बाय।